लाइनों में लगे हुए हैं। ये जो भी गवर्नमेंट आती है, कोई चीनी के लिए लाइन लगा देता है, कोई आटे के लिए लाइन लगा देता है। चीजों की जो कीमतें हैं, क्या हम कश्मीरियों को कहेंगे हमारे पास वो आएंगे? वो तो आज़ादी चाहते हैं, तो महंगाई के हिसाब से कभी भी नहीं आएंगे। यार अभी आपने देखा होगा वो न्यूज़ आई है, उन्होंने कुछ भेजा चंद्रयान 3। गाइस हर जगह पर यही बातें, हर एक कोने कोने पर यही बातें हो रही है। टेक्नोलॉजी सेपरेट करेंगे, वहां पर अपनी वो एजुकेशन, वहां पर अपना वो कल्चर पूरी दुनिया को बताएंगे, यहां पर हम क्या कर रहे हैं। एजुकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो एजुकेशन के सिस्टम कश्मीर का कैसा है? बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाकिस्तान का, बेकार। एजुकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो एजुकेशन के सिस्टम कश्मीर का कैसा है? बिल्कुल वैसे ही है जैसे पाकिस्तान का, बेकार। बेकार है जी। क्या लगता है कि आपको, क्या हम अपने एजुकेशन सिस्टम को श्रीनगर या जम्मू कश्मीर के साथ रिलेट कर सकते हैं? नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि यार उनके वो लोग ऐसे, वो एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और यहाँ पे ऐसा है कि बस आप रटा मारो और बस चलते जाओ। सही। अभी आपको पता है कि इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है वो ग्लोबली होने जा रहा है। यूए के अंदर आईआईटी बनने जा रहा है, आईआईटी दिल्ली यूए के अंदर बनेगा। और यूए और क्या करेगी, उनकी जो उनकी कल्चर की, उनके मजहब की जो भी किताबें हैं वो भी यूए के मुसलमान, वो यूए के लोग पढ़ेंगे। पूरी दुनिया के अंदर वो अपने यूनिवर्सिटीज, अपने कॉलेजेस बनाने जा रहे हैं। आप बताएं कि कितना बड़ा विजन है इंडिया का, क्या हमारा भी होना चाहिए इस तरह का विजन? यार अभी आपने देखा होगा वो न्यूज़ आई है, उन्होंने कुछ भेजा चंद्रयान 3। गाइस हर जगह पर यही बातें, हर एक कोने कोने पर यही बातें हो रही है। तो ये कि हम बहुत बैकवर्ड लोग हैं और हम इसी तरह बैकवर्ड ही रहेंगे इंशाल्लाह, हमने आगे नहीं जाना। चंद्रयान 1, 2, 3। पता है इंडिया वाहिद पहला ऐसा मुल्क है जिसने चांद पर पानी दरियाफ्त किया। ऐसे ही है, और हमारा यही सिस्टम है वही पुराना कि बस पढ़ते जाओ, रटा करते जाओ और बस ऐसे ही चलेगा, आगे भी चेंजिंग नहीं आ सकती। क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनकी इतनी सोच ही नहीं है मेरे ख्याल से, वो ये सोचते ही नहीं है कि कोई क्रिएटिव चीज़ें आनी चाहिए। बस आपको एक 48-50 सब्जेक्ट दे देते हैं, बस 4 साल में वही रगड़ा खाते रहो, और एक कागज़ दे देते हैं जिसके आगे भी कोई वैल्यू नहीं होती। जब जॉब के लिए जो क्या प्लान है आगे के, अगर मैं बात करूँ अभी आज की, तो आपको पता है यूए के दरमियान और एक अभी करेंसी एक्सचेंज, करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे, वो एक दूसरे की करेंसी के ऊपर ट्रेड होगी। हम यहाँ पर बात करते हैं मुसलमान उम्मा, मुसलमान मुसलमान, लेकिन वो इस चीज़ से, यूए जैसी बड़ी कंट्री, वहाँ देखेंगे दुबई टूरिस्ट अब बन चुका, पूरी दुनिया यूए को फॉलो करती है। अभी इंडिया जैसी कंट्री, इंडिया उधर अपने इन्वेस्टमेंट कर रही है, यूए के कहाँ क्या कम अमीर है, दुबई आप देखेंगे उनके बिलियन ऑफ डॉलर्स के शेयर हैं। श्रीनगर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा, सॉरी दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रहा है जिसकी लागत बिलियन ऑफ डॉलर्स है। हमारे यहाँ पर बाहर से इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती? सर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती भी है, अभी आपने अगर देखा होगा मुजफ्फराबाद का काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तुर्की ने बनाया है, सूदिया ने यूनिवर्सिटी बनाई है, अभी ये नीचे एक मॉल है बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। तो यहाँ के लोग ये हैं कि बस उनको ये चाहिए कि हमने पैसा खाना है, बाहर की भी कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है उससे हमें कितना पैसा मिलेगा, बस पैसे खाने का सीन है। और चीज़ें बनी हुई हैं वो बर्बाद हो रही हैं, ये नीचे बिल्कुल यहाँ से नीचे जाएंगे ना बहुत बड़ा मॉल है और वो ज़ाया हो रहा है। तो इंडिया के क्या चीज़ पसंद है, अगर श्रीनगर जाने का मौका मिले, कश्मीर जाने का, इंडिया विजिट करने का, तो जाएंगे इंशाल्लाह? ज़रूर जाएंगे, कश्मीर पूरे में जाएंगे इंशाल्लाह। किसे मिलेंगे? यार बस जाके देखना है कश्मीर, मिलने का किसी से शौक नहीं है, बस कश्मीर जाके देखना है, बिकॉज ये वाला पार्ट तो हमारा है, वो भी हमारा है ऑब्वियसली, तो हमारा वो भी। हाँ। वो देंगे, मांगेंगे तो देंगे इंशाल्लाह। अभी तक 75 सालों से नहीं दिया तो हमारे पास, हम इतने स्ट्रांग ही नहीं, हम अपने मिसाइल बेसिक नहीं ख़त्म कर सकते। आपने मोदी का वो बयान सुना था ना कि पाकिस्तान के साथ जंग करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को खुद ख़त्म कर लेगा, तो वही एक थप्पड़ था हमारे मुँह पर। तो अभी मेरी कोशिश है, मैं इस 6 अगस्त से पहले एक कश्मीर के लिए गाना भी बनाया है मैंने, जो एक स्पेशल एक्ट जो उन्होंने ख़त्म किया था उसके अगेंस्ट, तो हमारी तो यही कोशिश है कि जो जुल्म हो रहा है वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान के मौजूदा जो सूरत हाल मुल्क के अंदर चल रही है, कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, दुनिया से दुनिया देख रही है, कुछ हम छुपाएंगे, हम कहेंगे कि भाई वाह वाह वाह, हम तो बहुत मुसलमान उम्मा, हम तो यहाँ पर इक्का है, हम तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया के पास स्टेटस है, IMF से लोन लेते आ रहे हैं, गुजारा नहीं हो रहा हमारा, आटा नहीं मिल रहा गरीबों को, यहाँ पर आटा 180 रुपये KG खा रहे, वहाँ पर आटा 25 रुपये KG खा रहे हैं, मेन डिफरेंस यही है। क्या वो 25 रुपये का आटा छोड़कर 180 के लिए हमारे पास आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे यार, अभी कहा कि वो भी हमारा, हम भी लेंगे,
अब जुल्म नहीं करेंगे अगर उनको भी यहाँ पर लेके आएंगे तो? यार वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हमारे वहाँ पे लोग रहते हैं, हम तो कश्मीरी ऐसे यही चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिल जाए। जो आएंगे, एक मिनट आइएगा, मैं आपसे सवाल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम माजी, कैसे हैं आप? लगे शुक्र। कश्मीरी नाम? जी बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह से, मेरी माँ की जैसी हैं लेकिन बहुत खूबसूरत है माजी। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा, कश्मीर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? भाई ने, जैसे आपके बेटे ने कहा कि कश्मीर भी वो वाला कश्मीर भी हम लेंगे, क्या जो मौजूदा सूरत हाल, आपका घरेलू औरत है तो घर के अंदर जो आप महंगाई देख रही हैं, चीज़ों की जो कीमतें हैं, क्या हम कश्मीरियों को कहेंगे हमारे पास वो आएंगे? वो तो आज़ादी चाहते हैं, तो महंगाई के हिसाब से कभी भी नहीं आएंगे। महंगाई के हिसाब से कभी भी नहीं आएंगे। आज़ादी, मेरा पॉइंट वो आएंगे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं था कि हम उनसे ले लेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जो वो लोग चाहते हैं ना, क्योंकि वो मेजॉरिटी हैं, उनका ही फैसला इधर भी होगा, तो वो जो चाहते हैं वही हो। क्या कहना चाहेंगे माजी, कश्मीरी एज आ कश्मीरी, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश हैं? क्या आप लोग, क्या आपके हकूक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो आए दिन बदलती है और महंगाई जो है ना वो आसमान पे। हम जैसे सर, अभी नरेंद्र मोदी जो है वो यूएई की विजिट पर गए हुए हैं सर, दुबई के अंदर उन्होंने अपना एक स्कूल खोलना है जिसे यूनिवर्सिटी कहते हैं, आईआईटी के दिल्ली आईआईटी खोलनी है। तो सर वहां पर वो अपनी टेक्नोलॉजी स्प्रेड करेंगे, वहां पर अपनी वो एजुकेशन, वहां पर अपना वो कल्चर पूरी दुनिया को बताएंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर वो अपने रूपी के अंदर ट्रेड करेंगे, सऊदीया यूएई जितने भी मिडल ईस्ट सारी कंट्रीज और इंडिया यहाँ से अपनी करेंसी के ऊपर ट्रेड करेंगे। क्या हम मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? अगर वो इस तरह का कर रहे हैं तो इनको तो इनसे बढ़कर करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, आगे होना चाहिए इनको। ये पता नहीं कि और कामों में लगे हुए हैं, किस कामों में लगे हुए हैं। कैसे मुकाबला करेंगे हम इन हालातों को देखते हुए? आपको लगता है कि हम मुकाबला करने के लायक हैं इंडिया के? नहीं, ये तो तजर्बा कर रहे हैं ना, ये तजर्बे कर रहे हैं, इतने पुराने, ये पुराने खिलाड़ी हैं, इतनी पुरानी पार्टी हैं, लेकिन जो जब भी आ रही हैं तो बस रोना रोता रोती हैं कि हालात नहीं ठीक, खजाने खाली हैं, खजाने कब भरेंगे, ये कुछ समझ नहीं आ रही। सर, एक नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया का नक्शा चेंज कर दिया हुआ, पूरी दुनिया के सामने अपने आप को मनवाया हुआ, क्या हमसे एक नरेंद्र मोदी का भी मुकाबला नहीं किया जा रहा है यहाँ पे? मैं वही कह रहा हूँ ना कि करना चाहिए ना, होना चाहिए इस तरह का। सर क्या समझते हैं आप? उनसे आगे होना चाहिए, हमें उनसे आगे होना चाहिए। सर आगे कैसे, सिर्फ बातों में होना चाहिए कि आप कुछ करके भी होना चाहिए? कुछ करके होना चाहिए। कुछ क्या करें सर? कुछ ये करना चाहिए कि जिससे आवाम भी खुशहाल हो, ठीक है ना, मुल्क खुशहाल हो, ठीक है ना, इससे आगे फिर मैं क्या कहूँ, ये उस तरफ जान ही रहे, ठीक है ना, जो भी आता है कहता है जी कुछ भी नहीं है जी, फिर वो कर्जा ले लेता है, कर्जा लेके वो पता नहीं फिर कर्जा कहाँ जाता है, ये समझ नहीं आती। सर आपने वेलकम देखा दुबई के अंदर किस तरह से हुआ था नरेंद्र मोदी का? जी देखा था सर। वो देखने के बाद कैसा लगा आपको? हमारे वज़ीर-ए-आज़म का भी इज्जत होना चाहिए जी, उसके तो उसके बढ़ चढ़ के होना चाहिए सर। वो तो उन्होंने तो इज्जत बनाई ना, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी का इस तरह से हो रहा। क्या हमने इज्जत बनाई है दुनिया के सामने अपनी? फिलहाल तो नहीं है कोई भी सर। क्यों नहीं है, यही तो मसला है, हम मांगते क्यों हैं? क्या मांगने को जैसे हमारी इज्जत नहीं है? नहीं, मांगते भी हैं लेकिन मांग के भी वो कहाँ जाता है, समझ नहीं आती। क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए आगे? पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ खुश है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ इस तरह तो नहीं खुश है, हालात तो बिल्कुल जो है ना वो ठीक नहीं है, किसी का गुजारा नहीं, आम आदमी का गुजारा नहीं है। सही, ठीक है। कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार या फिर आज़ाद? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या खुद मुख्तार या आजाद? खुद मुख्तार बनेगा, कंफर्म है? सोच समझ के बात कर रहे हैं इंशाल्लाह, देख लें पाकिस्तान बन जाए तो ठीक है ना जी, पाकिस्तान भी अच्छा है ना जी। देख लें, आपने इतनी सी बात पर अपना मौकिफ चेंज कर दिया, मैंने आपसे दो दफा पूछा सर, इतना डर किस चीज का हम पे? कौन संभालेगा मुझे बताएं ना, कौन संभालेगा, कौन आएगा सर? हिंदुस्तान संभाल तो रहा, पर आप देख नहीं रहे पूरे इंडिया को डेवलप कर दिया उसने, श्रीनगर को देखा नहीं आपने कि वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट कर ली? बिल्कुल है, यहाँ पे भी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, उसी तरह की होनी चाहिए सर। क्या हमसे हम पाकिस्तान के साथ है ना, ठीक है ना, बाकी में पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं है? यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान आर्मी है, सब वो कर रहे हैं, तो उनको बेहतर करना चाहिए ना, बेहतर इसी में होगा कि वो बेहतर होगा तो ये साथ चलेंगे ना, यही बात है। क्या समझते हैं आपके महंगी चीज़ें यहाँ पर? सर मैंने रात को बैठ कर एक रिसाला निकाला जिसके ऊपर मैं सर्च कर रहा था, कंपैरिजन किया हुआ था उन्होंने चीज़ों के दरमियान के रेट्स के बारे में, यहाँ पर आटा ना मिलने की वजह से बहुत सारे कश्मीरी लोग जा भाग हो चुके हैं घर के अपराध, तो सर वहाँ पर ना कंपैरिजन किया गया, आटा पाकिस्तान का देखा 180 रुपये किलो,
जहाँ पर जम्मू कश्मीर में देखा तो 25 रुपए किलो। कुकिंग ऑयल यहाँ पर देखा तो 550 रुपए के जी, वहां पर देखा तो सर सिर्फ 60 रुपए के जी। सर बहुत सारी चीजों में डिफरेंसेस थी। गाड़ियों की कीमत जो यहाँ पर सबसे छोटी आल्टो गाड़ी है 31 लाख की, वहां पर 4 लाख रुपए की 0 मीटर गाड़ी। इतने सारे डिफरेंशिएट कर रही है दुनिया और दुनिया को नजर भी आ रहा है। उसके बाद वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में बात यह ना, यहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा है ना, टैक्स लगाया है ना गवर्नमेंट ने, वहां पर गवर्नमेंट ने साथ दिया उन लोगों का। बिल्कुल है, आप आटे की बात कर रहे हैं, आटे के लिए तो पाकिस्तान में भी मार रहे हैं लोग, वहां पे भी लाइनों में लगे हुए हैं। ये जो भी गवर्नमेंट आती है, कोई चीनी के लिए लाइन लगा देता है, कोई आटे के लिए लाइन लगा देता है। इन सब हालात को देखते हुए जब आप जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? वहाँ पे तो सब कुछ बेहतर जा रहा है, सही जा रहा है वहाँ पे, यहाँ की नस्बत से उम्मीद करते हैं पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे इतनी महंगाई नहीं है, हर चीज जो है वो ले सकता है बंदा, खरीद सकता है, अच्छा खा सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, मेरे सख्त सवाल का भी आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, थैंक यू सो मच। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर कश्मीरी हैं? जी जी। क्या करते हैं आप? रक्षा चलाता हूँ। रक्षा, गुजारा होता है? बस मुश्किल से ही गुजारा होता है। क्या कसूर है, किसका कसूर है, ये महंगाई करने के पीछे कौन जिम्मेदार है? आवाम भी जिम्मेदार है और हुक्मरान सबसे बड़े जिम्मेदार है इसमें। क्या ख्याल है आपके के पहले भी ऐसे ही था? पहले तो ऐसे नहीं था, मगर अब हुक्मरानों को ज्यादा पैसा चाहिए इसलिए महंगाई ज्यादा होती जा रही है। आप देखें यहाँ पे इतवार का दिन है, सरकारी गाड़ियाँ यूज कर रहे हैं, ये किस खाते में यूज, कहाँ के गवर्नमेंट के असूल है कि आप सरकारी गाड़ी यूज करें ड्यूटी के अलावा? इसका डीजल पेट्रोल ये सारा आवाम से ही निकलता है, आवाम से निकलता है। तो इसके कानून है, ये गैर कानूनी काम है सब, इसका कोई पूछने वाला नहीं है और पूछने वाले ये खुद है, इनको कौन पूछेगा? सर एक चीज की नहीं समझ में आती सर, एक तरफ हमने कश्मीर तो ले लिया इसलिए कि भाई हम बहुत अच्छे से इसका देखभाल करेंगे, यहाँ पर मुसलमान भाई हैं, हम अपने पास ले करेंगे, पाकिस्तान ने ले तो लिया सर, क्या पाकिस्तान से संभाला जा रहा है ये कश्मीर? कश्मीर संभाला तो नहीं जा रहा है पाकिस्तान से। सर अगर हम दूसरी तरफ देखें, इंडिया के पास जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, वहां पर इतनी चीजें सस्ती क्यों है? जब हम ये मैं बात यहाँ पर करता हूँ तो वो कहते हैं कि भाई वहां पर महंगाई बढ़ी है, लेकिन जब स्टेटस देखते हो आप तो वहां पर चीजें सस्ती बढ़ी है सर। नहीं, वहां पे चीजें सस्ती है वहां पे, क्योंकि वो लोग खुद काश्त करते हैं, वो मेहनत करते हैं, मेहनत करके इसलिए वो लोग तरक्की कर रहे हैं, हम लोग मेहनत भी नहीं कर रहे। सर 25 रुपए के जी आटा वहाँ पे, यहाँ पर कितने का? यहाँ पर तकरीबन 250 रुपए के जी हो गया आटा। 250 रुपए किलो, 3100 रुपए की आज 20 किलो का थैला है और रिटेल में जो है वो लोग देते हैं 250 रुपए किलो। सर इतना महंगा कैसे गुजारा? बहुत मुश्किल हो गई है गुजारा, गरीब आदमी को तो मुश्किल हो गई है, तकरीबन 50-60 हजार रुपये तनख्वाह लेने वाला भी इस टाइम पे नहीं पूरी डाल सकता। सर आप तो रिक्शा चलाते हैं, घर का निजाम कैसे, घर अपना? नहीं, घर भी किराए का है। ओए ओए ओए, फिर तो बहुत मुश्किल आपके। बहुत मुश्किल आते हैं ये, दरअसल में पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया, तकरीबन 260-270 रुपए पेट्रोल है, आया दिन पेट्रोल महंगा होता है, कोई पूछने वाला नहीं है इसमें। गवर्नमेंट बोलती है ये आज पेट्रोल सस्ता होगा, कल सस्ता होगा, मजीद महंगा ही होता जा रहा है, सस्ता किसी तरह का ही नहीं है। किराया कितना दे रही है घर का? घर का किराया 5000 रुपये। सर अब पेट्रोल आज 9 रुपये सस्ता हो गया? 9 रुपये से सस्ता हो गया, मगर बाकी चीज़ें महंगी हो रही हैं, खाने पीने की अशिया महंगी हो जाती है ना, ये पेट्रोल सस्ता होता है, खाने पीने की अशिया महंगी हो जाती है। सर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, एक तरफ हमें 1947 में एक ही दफ़ा आज़ाद हुए इंडिया से, हम अलग भी हुए, हम अलग होकर आज देखते हैं तो सर वो दुनिया की चौथी पाँचवीं बड़ी ताकत है। बिल्कुल सर, वो ताकत बन गया, हम तो ये कहते हैं कि मुसलमान उम्मा सबसे अफजल सबसे अच्छी, तो यहाँ पर हम दुनिया से पीछे क्यों रह गए? दरअसल में एक मसला ये भी है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हम पिट रहे हैं। अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीके पे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये उम्मत उठेगी। हम में सिर्फ कमज़ोरी ये है कि इस टाइम पे आप 10 बंदे घर में होते हैं और उसमें 2 नमाजी होते हैं, 8 बेनमाजी होते हैं, तो फिर अल्लाह की रहमत तो नमाजियों के साथ आएगी, क्योंकि अल्लाह ने रिज़्क़ और हर चीज़ का फैसला नमाज के साथ किया है, तो हम लोग नमाज नहीं पढ़ते तो इस वजह से हम पे मुसीबतें आ रही हैं। ये सर अब यकीन नहीं रहा, यकीन उठ गया है ना, क्योंकि यकीन की सारी मेहनत है, यकीन की, यकीन बनेगा तो अल्लाह पाक हर चीज़ देगा। बिल्कुल सही सर, एक चीज़ है पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी कि आपने कहा कि भाई मेरे हालात नहीं सही, मैं रिक्शा चलाता हूँ, किराए का मकान है, गुजारा नहीं होता, तो सर इन सब हालात के बीच में पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान रोज ये नारा लगाता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या जम्मू कश्मीर के लोगों को आज हम अपने पास बुलाएंगे, उन्हें कहेंगे भाई हमारे पास आओ, वो इतनी फैसिलिटी को छोड़कर हमारे पास आएंगे?
दरअसल में बन सकता है कश्मीर पाकिस्तान, हमारी फौज मुखलस हो जाए तो इंशाल्लाह बन सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। जी जी जी। मगर हमारी फौज ही मुखलस नहीं है इसमें, वो चाहती ही नहीं है कि आज़ाद हो। आज़ाद होगा तो ये कश्मीर का टुकड़ा अलग हो जाएगा पाकिस्तान से, पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। हाँ, इसलिए हमारा पाकिस्तान चाहते नहीं, क्योंकि कश्मीर की अपनी फौज है नहीं है, आज़ाद कश्मीर की अपनी फौज। अलग होकर किधर जाएगा? अलग होकर ये अपना खुद मुख्तियार बनाएगा ना, तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये आज़ाद हो। तो हिंदुस्तान भी नहीं चाहता? हिंदुस्तान तो चाहता ही नहीं है, क्योंकि उसको अपना मलकियत बनाएगा वही आपने। सर ओरिजिनल में कश्मीर है किसका? देखो ना, हमने जंग लड़ के ले ली है तो हमारा हो गया। मतलब के जंगल का कानून है, जिसने जंग जीती उसका हो गया। हाँ, उसका हो गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो हकीकत नहीं, अक्सर एक जंग लड़ के ली है ना हमने, मुसलमानों का मुल्क है, हमें भी हक है कि हम अपनी जमीनों को बढ़ाएं। सर इस टाइम का कश्मीरी कौन सा कश्मीरी ज्यादा खुश है, हमारी तरफ